15-16 तारीख को चंडीगढ़ में दो दिन की एक हिमालयन इकोलॉजी के ऊपर कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसका मुख्य जो फोकस है फूड और एग्रीकल्चर का जो ब्रोकन फार्मिंग सिस्टम बन चुका है, ब्रोकन फूड सिस्टम बन चुका है, उसको कैसे ठीक किया जाए। यानी खेती से ही और फूड से ही, जो एग्रीकल्चर एंड फूड है, हम देखें उसी से जाए दुनिया का आज एक पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। किसान भी मर रहे हैं, जो प्रोड्यूस करता है वो भी मर रहा है, जो कंज्यूम करता है, जो खाता है, जो उपभोक्ता है, वो भी मर रहा है। तो ये कहना कि दुनिया में फूड प्रोडक्शन और फूड कंजम्पशन दोनों का जो रोल है इकोनॉमिकली इतना इस तरीके से बनाया गया है कि वो हमें तो लगता है कि बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन उससे जो पर्यावरण को या दोहन या नुकसान हो रहा है उसको कैसे करेक्ट किया जाए, ये प्रयास ये दो दिन की कॉन्फ्रेंस 15-16 तारीख को चंडीगढ़ में होने जा रही है, उसका मुख्यतः विषय रहेगा। इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इसका रास्ता भी दिखाया जा रहा है कि भाई क्या होना चाहिए इस सारे ब्रोकन फूड सिस्टम से निकलने के लिए। दूसरा है कि ये एक जो तरीका है इकोनॉमिक ग्रोथ का आंकने का देश में GDP के माध्यम से, उसको उसमें कैसे एनवायरमेंट या इकोलॉजी या फूड उसमें कैसे हम इंकॉर्पोरेट कर सकें ताकि ग्रीन इकोनॉमी जिसे हम कहते हैं वो हमारा मॉडल निकल के आए उसमें।